इंस्टेंट मिर्च फ्राई, क्या आप भी चाहते हैं इतनी ही मज़ेदार सी मिर्च फ्राई बनाना और वो भी झटपट? तो चलिए हम इसे बनाना बताते हैं आपको। ये कैसे बनती है, इसे आप पराठे के साथ खाएंगे या रोटी के साथ या किसी भी और सब्ज़ी के साथ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर ले ली है हरी वाली बड़ी वाली साइज़ की मिर्च, मैंने जिन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहें तो पतली वाली मिर्च की भी बना सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप पतली वाली लाल मिर्च ले। आज मैं इन्हें मोटी मिर्च के साथ बना रही हूँ और मैं पतली मिर्च में भी बनाती हूँ। मैंने ले लिया है एक बड़ा प्याज और हम इसे रख देंगे साइड में और हम देख लेंगे कि मेरे पास ड्राई मसाले में क्या क्या है। मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर और मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच अचार का मसाला जो कि मैंने घर में ही बनाया था, आप बाहर का भी ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और मैंने अपनी मिर्चों को छोटी साइज़ में काट लिया है, आप सारी मिर्चों को इसी तरीके से काट लें। और ये देखिए मैंने इनको बीच से भी काटा है ताकि इसमें जो मसाला है हमारा वो अच्छे से भर जाए और एकदम से अचारी मिर्च बन के तैयार हो। इसी तरीके से काट लें, अगर आपके पास बड़ी मिर्चें हैं तो आप इनको छोटा छोटा काट लें, बाकी नहीं तो अगर छोटी मिर्च की साइज़ की मिर्च है तो उसको आप आधे दो दो हिस्से में काट लेंगे। मैंने प्याज लिया था, इसको भी मैं काट लूँगी। ये देखिए मैंने अपना प्याज जो था वो इस लंबी लंबी साइज़ में काट लिया है और मैं इसको साइड में करूँगी। और मैंने ले लिया है यहाँ पर एक स्टील का पतीला और मैंने इसे सरसों का तेल डाला है मैंने इसमें। इसको सरसों के तेल में ही बनाते हैं, इसे आप सरसों के तेल में बनाएं, सरसों के तेल में बनती है ये, और सरसों के तेल के अलावा किसी और चीज़ में ना बनाएं। गैस हमने कर दिया है ऑन और हम गैस इस जो ऑयल है इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। देखिए ये हमारा ऑयल जो था वो गर्म हो गया है और इसमें हमने जो कटा हुआ प्याज था वो इसमें डाल दिया है और हम इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे अपने प्याज को। आप ध्यान रखें प्याज को हमें ज़्यादा नहीं जलाना है, बिल्कुल हल्का सा ही फ्राई करना है, बस हल्का सा करेंगे क्योंकि हम जब मिर्ची डालेंगे तो उसके साथ साथ ही ये प्याज हमारा गल जाएगा, इसलिए हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। बस इतना काफ़ी है, प्याज हमारा हल्का सा तेल में मिल गया है, बाकी हमारे पास जो ये ग्रीन वाली चिली थी कटी हुई ये इसमें डाल देंगे हम अपनी मिर्चें और मिर्च डाल के इसको थोड़ा सा मिला देंगे प्याज के साथ। देखिए ये बहुत ही जल्दी बन जाती हैं और बहुत ही टेस्ट लगती हैं। मैं इसमें डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, अब आप इसमें सॉल्ट डाल दें जितना भी आपको अच्छा लगता है। बाकी के जो मैंने ये ड्राई मसाले लिए थे आमचूर पाउडर, अचार का मसाला और हल्दी पाउडर, ये तीनों चीज़ें भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बस इसमें हम सिर्फ ये 3-4 चीज़ें डालेंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं डालना। और ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। आप इसको बनाएं एक बार और इसे बना के अपने फ्रिज में रख लें और किसी भी सब्ज़ी के साथ थोड़ी सी निकालें और खा लें। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और बहुत ज़्यादा जल्दी से बन जाती है। फटाफट से बनाओ और खा लो। हम लोग अचार बनाते हैं मिर्च का, उसमें हमें कई दिन लग जाते हैं उसको मिर्च को, पहले इसको पता नहीं क्या क्या झंझट होता है उसमें। हम इसे गैस की फ्लेम जो है हम उसे थोड़ा सा लो ही रखेंगे ताकि हमारी मिर्च जो है नीचे से जले ना। देखिए इसको हम थोड़ी देर 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे ताकि जो हमारी ग्रीन वाली चिली है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसे ढक के पकाने से थोड़ा सा जल्दी बन जाएगी। बस हमें 2 मिनट हुए थे पकते हुए, देखिए ये बिल्कुल एकदम से हल्की सी गलने लगी है हमारी मिर्चें। हम इन मिर्चों को ना ज़्यादा नहीं गलाएंगे, बस थोड़ा ही गलाएंगे क्योंकि ज़्यादा गलाएंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्रिस्पी क्रिस्पी सी ही अच्छी लगती हैं, ज़्यादा सॉफ्ट सी अच्छी नहीं लगती। बस इसी तरीके से पका लें आप इसे। अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा पानी भी डाल दें, अगर आपकी नीचे से लग रही है तो बस थोड़ा सा पानी इसके अंदर छिड़क दें आप, ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि ये बिल्कुल फ्राई सी अच्छी लगती हैं, फ्राई हुई भी सूखी सूखी। और इसे आप किसी भी सब्ज़ी के साथ खा लें, दाल के साथ ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, मैं आपको इसमें थोड़े से निकाल के दिखा देती हूँ कितनी अच्छी तरीके से बनी है और इतनी जल्दी बन गई हैं। अगर आपको ये मिर्च फ्राई अच्छी लगी हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपको नहीं अच्छी लगी हैं तो फिर भी मुझे कमेंट करके बता देना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। आप इसे एक बार ज़रूर बनाना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब कितने और एक नई रेसिपी के साथ, अच्छी अच्छी रेसिपी बना के लेकर आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए आप खुश रहें, हंसते रहें, बाय बाय।